आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, मैं हिमांशु अरोड़ा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए HBN न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की अहम खबर की ओर। अलीगढ़ के सराय हकीम वरसलगंज में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के कारण पूरा इलाका सीज कर दिया गया है। हर गली व हर मोहल्ले से लेकर एरिया के स्टॉपेज तक बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। इसी के साथ साथ वहां के स्थानीय लोगों का ध्यान रखते हुए जिला अधिकारी ने लोगों को घरेलू सामान, किराना के सामान, दूध सब्जी की होम डिलीवरी करवाना सुनिश्चित किया है, जिसमें सारे किराना स्टोर और सब्जी फल दूध वालों के नंबर दिए गए हैं। इसी के साथ वहां पर लोगों को मेडिकल स्टोर्स के नंबर भी दिए गए हैं, जिससे कि जरूरी दवाइयों को लोग फोन पर ही मंगवा सके। लेकिन यहाँ के लोगों ने बिल्कुल सेफ्टी से अपना ध्यान रखा हुआ है, बिल्कुल पाबंदी लगी हुई है, कोई दुकान नहीं खुली। प्रशासन द्वारा कहीं पाबंदी लगाई हुई, बैरिगेटिंग का कार्य करा जा रहा, दिखाई इनको बैरिगेटिंग किस तरीके से लगी हुई है, गली गलियों पर बैरिगेटिंग है। यहाँ पर प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी पाबंदी लगाई हुई है। यहाँ पर कोई निकलता है उसको पूछा जाता है, खाली मेडिसिन वाले लोगों के लिए सुविधा करी जा रही है और क्लिनिक सेवा को नहीं है। अब मेरे साथ देख सकते हैं मामूली गली पर भी बैरिगेटिंग है, तो तरीके से गली भी से पाबंदी कर रखी है। गली पर कोई आना जाना बंद है। आप देखिए किस तरीके से गली लगी हुई है और गेट को लगाया हुआ, पुलिस प्रशासन अपने कार्य पर लगा हुआ। उसके साथ साथ यहाँ के लोगों ने भी ठान रखा है कि यह बाहर एक ऐसी चीज़ है कि घर जात जब बरादरी या गरीब जमीन नहीं देखता, ये देखता है फैला, और इससे इधर कितने लोगों को जान लेवा हमला हो सका। लेकिन यहाँ के लोगों ने इस तरीके से सेफ्टी बनाई हुई है, अगर इनके पास पसंद का मरा था तो लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पाबंदी साहब देखते तो किस तरीके से पर्याप्त दुकान बंद रही है। कुछ टाइम पहले यहाँ दुकानों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा यहाँ पर पूरी तरीके से पाबंदी बंद है। दुकानों को कोई ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल दुकान सब तरीके से सील करी हुई है। यही अपील करना चाहूँगा, इस टाइम स्वस्थ रहें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, डॉक्टरों का सहयोग करें, ऐसी वाली खबरों को देखते हुए मेरे साथ नाम से HBN न्यूज़ जो सच कही खबर।